तो हम बनाएंगे वीडियो, और वीडियो इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से मैं ऐसे ये कैमरा पकड़ा हूँ ना, इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। बस प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे वीडियो बनाने में कि कुछ देर बाद आपका हाथ दर्द करने लगेगा। सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे वीडियो बनाओगे ना तो हाथ में तो पेन होगा ही होगा, लेकिन कोई नहीं, इंजॉय करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा निकल के आएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए कभी कभी हमको लगता है कि हमको सारी चीज़ें पता है, कुछ अगर हम नई स्किल सीख रहे हैं जैसे कि वीडियो बनाना ही सीख लो जो मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि पहले कैमरा कैसे पकड़ता, मैं ऐसे ऐसे करता था, इधर देख के ऐसे बोलता था, तो पता पता नहीं चलता था कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप इस तरीके से तो देखते हो कैमरे में तो आपको पता चलता कि आपसे मैं बातें कर रहा हूँ ना। तो ये चीज़ें सीखने में भी टाइम लगा और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं एक वीडियो को बनाने में। लेकिन अगर आप रॉ वीडियो बना रहे हो जैसे कि ये वीडियो है, ये एक रॉ वीडियो है ना, इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, नॉर्मल वीडियो है ना, तो ऐसी वीडियो में आप ऐसे बात कर सकते हो क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो एक प्रोफेशनल वीडियो ग्राफर बनने के लिए। आई मीन एक अच्छा वीडियो अगर आपको बनाना है तो आपको बहुत सी टेक्निक सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से रॉ कंटेंट बना रहे हो तो आप बस ऐसे इस तरीके से ऐसे कैमरा पकड़ना और बोलना चालू कर देना, जो भी आपके मन में थॉट हो, जो भी आप शेयर करना चाहते हो, है ना, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। तो ये भी एक तरीका है, लोग करते हैं और ये एक तरीके से रिलेट भी करवाता है क्योंकि इसमें आप लोगों को दिखाते हो कि यार देखो मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी कर समझ पाते हैं कि अच्छा इस तरीके से मैं भी कर पाऊंगा, तो रिलेट करते हैं ना। ये सब थोड़ी थोड़ी जैसे मिस्टेक भी होती है बीच में बोलने में, तो वो भी लोगों को रिलेट करवाती है। तो ये कॉमन चीज़ है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे इतना एडिट कर देते हैं वीडियो को कि ऐसे बीच में से आता फिर इस तरीके से ऐसा होता रहता है वीडियो, है ना। तो ऐसा ना हो तो ऐसे चलने दो ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी, सब लोग जानते हैं ना कि इंसान ही हो, गलती हो सकती है। तो अगर देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो है इसका मेन मोटिव क्या था, मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि मुझे एक चीज़ बतानी थी, वो ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी स्किल सीख रहे हो, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। उसको सीखने के लिए आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन रोज़ आपको काम करना है, कंसिस्टेंटली उस पर स्किल को होन करना है। उसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको बस ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ होता रहा है, और जब आप प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत सी नई चीज़ें आपको समझ में आती हैं जो इसके पहले आपको नहीं पता थी। तो ये भी है एक पॉइंट है, तो जारी रखिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। और ये कोई भी स्किल हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करो ना तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप पहले से बेटर हुए हो। जैसे मैं अपने वीडियो ही लेकर चलूँ तो वीडियो और पॉडकास्ट, तो मैं देखता हूँ कि पुराने वाले वीडियो थोड़े कम अच्छे हैं, आपके थोड़े ज़्यादा बेटर हैं, और अगर मैं इसको ऐसे ही करता रहा तो शायद और बेटर हो पाएंगे। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि प्रोसेस होती है जो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है हर चीज़। आप एक दिन में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने ऐसे पहले दिन ऐसे कैमरा पकड़ा और वीडियो बनाना चालू कर दिया, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि पहले दिन एक परफेक्ट वीडियो बना पाओगे, नहीं हो सकता। और अगर बना भी लिया तो क्या पता कि एक ही वीडियो में इतनी सारी मेहनत लग गई कि दूसरे दिन आपका बनाने का मन ही ना करे। तो इतना तो रहना चाहिए कि आपको इतना मतलब वैसा भी ना लगे कि दूसरे दिन आपका फिर मन हट जाए, इतना हो कि मतलब लगे भी थोड़ी मेहनत की है पर इतना भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो को आपने एडिटिंग करने में 5 6 10 दिन लगा दिए और फिर उसको अपलोड किया, तो आप एक ही वीडियो में पक जाओगे, छक जाओगे भाई, फिर दोबारा तो मन ही नहीं करेगा। तो वीडियो रॉ भी चलेगा, लोग रॉ वीडियो देखना पसंद करते हैं। आप इस तरीके से अगर वीडियो बनाते हो तो भी देखो होगी गलती, तो इस तरीके से गलती होती रहती है, लेकिन रहने दो, वो भी काम की चीज़ है, लोग उससे रिलेट करो, आप बात रिलेट करते हैं ना, तो ये भी एक अच्छा है। होप आपको उसमें कुछ वैल्यू मिली होगी कि अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो इस तरीके से रॉ कंटेंट बना सकते हो और वीडियो अपलोड कर सकते हो, कोई बेकार बात नहीं है, अच्छा है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, हो जाएगा।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।